Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 2, cascading style sheet and JavaScript. Last time we have seen about the CSS. Now we are going to learn about our second part of chapter 2, that is JavaScript. With the growth of internet, people demanded the website to have a greater interactivity and better visual design. जैसे जैसे इंटरनेट की डिमांड बढ़ रही है, पब्लिक जो है, जो पीपल है, जो ऑडियंस है, वो चाहते हैं कि बहुत ही इंटरैक्टिव पार्ट बने, वो भी डिजाइन उसका बहुत अच्छा बने। HTML could only provide static web pages. HTML से जो हम पेजेस डिजाइन करें वो सिंपल वेब स्टेटिक लेवल के वेब पेजेस डिजाइन होते हैं। थर्ड डिमांड ऑफ मोर इंटरेक्टिविटी क्रिएटेड टू नीड फॉर अ न्यू वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जो इंटरेक्टिविटी चाहिए उसके लिए एक नई वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की जरूरत है, एंड दैट इज JavaScript. Netscape developed JavaScript. JavaScript is a scripting language that allows you to add programming aspect to your web pages. JavaScript एक ऐसी scripting language, यानी कि programming language है, जो web pages के अंदर interactivity देगी। और ये Netscape ने develop किया है। ये देखिए यहाँ पे Netscape का logo बताया है मैंने यहाँ पे आपको। We learned how to create forms using Composer. Composer form बनाना सीखा हमने। When the user enters data in the form, he might leave some of the important fields empty or may enter the data in a wrong format inside the field. तो form fill up करना, आपने form बना के तो दे दिया, that form is displayed on the web browser. अब web browser जो use कर रहा, सामने वाला बंदा जो internet के ऊपर जो form fill up करेगा, तो form fill up करने के time पे may be possible अगर कभी कुछ field important field है, वो fill up करना छोड़ दे, वो fill up नहीं करेगा, या फिर wrong format उसमें fill up करेगा. In such cases, there must some type of validation provided. और ऐसे जो कंडीशन होती है तो यहाँ पे हमें कुछ वैलिडेशन सेट करनी पड़ेगी, कुछ लिमिटेशन सेट करनी पड़ेगी यहाँ. दिस वैलिडेशन रिस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन द यूजर एंटर्स रॉन्ग डेटा और लीव्स अ फील्ड एम्प्टी एंड एरर मैसेज शुड बी जनरेटेड एंड द फॉर्म शुड नॉट बी सबमिटेड. ऐसा कुछ भी अगर होता है कि लीव कर देता है, कुछ डेटा फील्ड एम्प्टी रख के या फिर रॉन्ग डेटा एंट्री कर रहा है, तो उस टाइम पे एक एरर मैसेज आना चाहिए, यानी कि यहाँ वैलिडेशन ऐसे जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, और जब तक वो सॉल्व नहीं हो रहा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन टूडे इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट विच रन्स इनसाइड अ वेब ब्राउजर. अब वेब ब्राउजर्स में जहां पे भी जावास्क्रिप्ट हम क्लाइंट साइड होती है, क्लाइंट साइड मीन्स व्हाट क्या होता है वो समझिए. सर्वर साइड दो साइड होती है, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड. अब सर्वर साइड में पहले सर्वर साइड की जो फॉर्म ऑनलाइन होते थे, अब सर्वर साइड में ऐसा होगा कि आपने डेटा फिलअप करके सेंड कर दिया, अब वो चेकिंग जो होगा ना वो सर्वर के साइड पे होगा, यानी कि वेब सर्वर के ऊपर जाके वो चेक होगा. और मे बी कि अगर आपने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलअप की है या कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड एम्प्टी रखे तो फिर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा. तो ये सब इश्यूज होने लगे, इसलिए ऐसा सोचा गया कि क्लाइंट साइड ही रख दी जाए, यानी कि जो आप जो फॉर्म फिलअप करे तो आप उसके क्लाइंट हुए, तो क्लाइंट के साइड ही वो एरर अगर कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे तो वहीं पे वो सॉल्व हो जाए, ऐसे सिस्टम बनाई गई. इट इज यूज टू वैलिडेट द डेटा एंटर्ड इन द HTML फॉर्म्स ऑन द क्लाइंट साइड बिफोर सेंडिंग टू द सर्वर. वैलिडेशन आ जाएगा क्लाइंट साइड से ही, सर्वर पे जाए उससे पहले अगर उसमें कुछ आप ऐसे मिस्टेक कर रहे तो वो सबमिट ही नहीं होगा, सर्वर पे जाएगा ही नहीं, यानी पहले आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा. और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज सिंपल लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डज नॉट कंटेन एडवांस प्रोग्रामिंग फंक्शनलिटीज ऑफ लैंग्वेज लाइक सी एंड जावा. सी लैंग्वेज एंड जावा लैंग्वेज इतनी हाई लेवल नहीं है, एक बहुत ही सिंपल और लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्टिंग. JavaScript is used in a web page to improve the design and validate the forms. It adds interactive and HTML pages. JavaScript जो हम use कर रहे हैं वो जो हमारी design होती है उसको improve करेगा. हमने जो form validation देखा वो form validate करेगा. HTML page जो static level के है उसके अंदर interactivity add करके उसको dynamic level का बनाएगा. Today mostly all the web browsers support JavaScript. सभी जितने भी web browsers है सभी JavaScript को support करते हैं. Using JavaScript, a web page no longer remains static, but it can include coding that allows interactive with the user, control the browser and dynamically create HTML. JavaScript आप use कर रहे हो तो static नहीं रहेगा आपका page. उसको include करने से उसका जो code है वो include करने से user interactivity बढ़ जाएगी. ब्राउजर के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल आ जाएगा और आपका जो HTML content है जो static level से change होके dynamic level का बन जाएगा. अब जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करनी है वो देखिए. जावास्क्रिप्ट कोड रन्स फ्रॉम द विद इन द HTML वेब पेज. HTML वेब पेज में तो जो जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी पुट डायरेक्टली इनसाइड द वेब पेज कोड एज अ सेपरेट सेक्शन.
पूरा एक सेपरेट सेक्शन आपको HTML के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा. द जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड इनटू HTML पेज यूजिंग स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट टैग ओवर. ऐसे टैग यूज करके आपको HTML के अंदर अलग से सेपरेट उसका कोडिंग करना पड़ेगा. दिस लाइन्स बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट टैग कंटेन्स द जावास्क्रिप्ट कोड. स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और स्क्रिप्ट ओवर किया उसके बीच में हमें जितना भी वैलिडेशन करना है, जितना भी कोडिंग करना है, वो जावास्क्रिप्ट कोडिंग हम लिखेंगे. एंड बस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रिमेम्बर दैट जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज केस सेंसिटिविटी? केस सेंसिटिविटी मीन्स इट मैटर्स वेदर एन आइडेंटिफायर सच एज वेरिएबल नेम इज अपर केस और लोअर केस. अपर केस और लोअर केस से उसको आइडेंटिफाई करेगा. एक एग्जाम्पल दिया, देखिए यहाँ पे पहला एरिया लिखा है स्मॉल लेटर्स में, फिर एरिया लिखा है उसमें ए कैपिटल है, दूसरा एरिया लिखा है उसमें सभी कैपिटल है, और जो फोर्थ वन लिखा है उसमें देखिए डिफरेंट है. ऑल आर सीन आर डिफरेंट वेरिएबल्स. और जावास्क्रिप्ट के लिए सभी, हमारे लिए ये वर्ड एक ही है कि भाई एरिया लिखा हुआ है, बट जावास्क्रिप्ट के लिए डिफरेंट है. चारों जो वर्ड है सभी फोर वर्ड्स आर डिफरेंट. सो ये केस सेंसिटिविटी है, यानी आप जो भी कोडिंग लिखोगे जो HTML कोड के साथ उसको जब भी एप्लीकेबल करोगे तो ये ध्यान में रखना है कि केस सेंसिटिविटी इसके ऊपर अप्लाई होगी. यानी आपने जो वर्ड जिस केस में लिखा है, अपर केस में या लोअर केस में, सेम टू सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा उसके अंदर. जावास्क्रिप्ट कैन बी प्लेस इनसाइड द हेड और बॉडी सेक्शन ऑफ HTML पेज. आप हेड या बॉडी दोनों में से किसी भी सेक्शन में लिख सकते हो, बट जनरली इट इज प्रीफर्ड दैट द कोड प्लेस इन द हेड टैग. और मोस्टली सभी लोग हेड टैग के अंदर ही इसको यूज करते हैं. तो स्क्रिप्ट टैग टेल्स दैट ब्राउजर टू इंटरप्रेट ऑल द टेक्स्ट बिटवीन द स्क्रिप्ट टैग एंड स्क्रिप्ट. ये जो स्क्रिप्ट टैग के बीच में आप जितने भी कोड लिखोगे, स्क्रिप्ट का जो टैग दे रहे हैं वो बताएगा कि यहाँ पे बीच में जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए उसको इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट करना मीन्स उसको चेक करके उसको अप्लाई करना है. नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए एक स्क्रिप्ट लिखिए देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में लिखा हेलो स्टूडेंट. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. देन स्क्रिप्ट टैग ओवर. यू कैन सी दैट इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग वी हैव रिटन अ सिंगल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट्स. हियर राइट इज अ मैथड. यहाँ पे जो राइट वर्ड है वो मैथड है विच इज अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसका पार्ट है. और ये ध्यान में रखेगा, याद रखेगा, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये एग्जाम्पल देकर आपको पूछा जाता है कि उसमें से मैथड कौन सी है, तो मैथड इज राइट और ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट इज डॉक्यूमेंट. द स्ट्रिंग इज टू बी डिस्प्लेस पास्ट एज वेरिएबल टू द मेथड डॉक्यूमेंट डॉट राइट. और बीच में जो स्ट्रिंग पास की है हमने हेलो स्टूडेंट्स, वो होता है वेरिएबल. द सेमीकॉलन हैज सीन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन जावास्क्रिप्ट. लास्ट में देखिए डॉक्यूमेंट राइट हेलो स्टूडेंट्स के लास्ट में हमने सेमीकॉलन लिखा है, वो कभी कभी ऑप्शनल भी हो जाता है. द सेमीकॉलन इज यूज एज अ मार्क ऑफ सेपरेशन रादर देन द टर्मिनेशन. यहाँ पर सेमीकॉलन टर्मिनेशन के लिए नहीं है बट सेपरेशन के लिए है. नॉर्मली आप आगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आए हो, जैसे टेंथ में आपने सी लैंग्वेज सीखे हो, तो शायद आपको ऐसा बताया गया हो कि सेमीकॉलन इज एंड ऑफ द लाइन, बट वो एंड नहीं होता है, वो टर्मिनेशन नहीं होता है, वो सेपरेशन होता है. वहां से दूसरी लाइन आप स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो. लेट अस नाउ लर्न हाउ टू राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन. फर्स्ट वी विल क्रिएट द सिंपल फॉर्म विद टू फील्ड्स नेम एंड सबमिट बटन. एक जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल देखते, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सिर्फ अभी हम दो ही फील्ड लेंगे. एक लेंगे नेम, लेबल लेंगे नेम और उसका टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और एक सबमिट बटन लेंगे. इफ द यूजर लीव्स द नेम फील्ड एम्प्टी एंड क्लिक द सबमिट बटन देन द मैसेज विल बी डिस्प्लेड दैट आस्क द यूजर्स टू एंटर द नेम. अगर नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अंदर कुछ भी फॉर्म डेटा फिलअप किए बिना ही अगर कोई सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने की ट्राई कर रहा है, तो तुरंत ही वहां पे एक एरर मैसेज आना चाहिए जो यूजर को बताएगा कि एंटर द नेम. तो ऐसा एक जावास्क्रिप्ट का हम एग्जाम्पल देखने वाले है. तो सबसे पहले कंपोजर में हमें डिजाइन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द कंपोजर, उसको सेव कर दीजिए, एक टाइटल दे दीजिए, सेव कर दीजिए. अब फॉर्म डिजाइन करना हमें, तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए आपको पता ही है, इंसर्ट मेनू में जाइए, देन इंसर्ट के अंदर फॉर्म, देन डिफाइन फॉर्म. सबसे पहले फॉर्म डिफाइन करेंगे. उसमें जैसे फॉर्म प्रॉपर्टीज फॉर्म डिफाइन करने के लिए यूज होता है, तो उसमें आपको फॉर्म का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि JS डेमो. JS मीन्स जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट डेमो, JS डेमो. और इस फाइल को भी JS डेमो डॉट HTML के नाम से सेव किया है, तो वो एक्शन URL में लिखा जाएगा. और मेथड जो है, दो मेथड होती है, गेट एंड पोस्ट. उसमें से आप कोई भी मेथड ले सकते हो. अभी ऑफलाइन वर्क ही करना है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. नाउ जैसे ही फॉर्म आ जाता है, ब्लू डॉटेड बॉक्स आ जाता है हमारा फॉर्म के लिए,
तो सबसे पहले हमें नेम लिखना है, तो लेबल के तौर पे नेम ऐसा लिख दिया, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे। अब यहाँ पे नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स हमें लाना है। अब टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए आपको बताइए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट फॉर्म, देन फॉर्म फिल पे क्लिक कीजिए। फॉर्म फिल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को ही रहने देना हमें। फील्ड नेम है, फील्ड नेम के लिए हम नेम लिख देंगे, इनिशियल वैल्यू ये सब कुछ भी नहीं लिखने, सिर्फ नेम लिख के ओके कर दीजिए तो नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब एंटर मार के नीचे आइए। अब यहाँ पे हमें सबमिट बटन है, सिर्फ दो के ऊपर याद देखने वाले हम, तो सबमिट बटन लाना। सबमिट बटन लाने के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड में जाइए, फॉर्म फील्ड में प्रॉपर्टीज का जो होगा उसमें टेक्स्ट के बाद जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें एरो पे क्लिक कीजिए और सबमिट बटन का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। नाउ सबमिट बटन जो है उसमें फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू दोनों में सबमिट लिखना है आपको। सबमिट लिखने के बाद ओके कीजिए तो देखिए आपका सबमिट बटन इस तरह से आ जाएगा। यानी हमारे पास हमें जो चाहिए दो चीजें वो आ गई, एक नेम, उसका टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन। अब हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें सोर्स कोड में जाना पड़ेगा, तो जो सोर्स कोड है उसके ऊपर जाइए। यहाँ पे देखिए सोर्स कोड है, यहाँ पे सोर्स कोड में देखिए यहाँ पे हेड पार्ट के अंदर हम लिखेंगे। हेड के अंदर जहां पे हमारा टाइटल ओवर होता है, जैसे यहाँ पे टाइटल जावास्क्रिप्ट मैंने दिया है, तो टाइटल जावास्क्रिप्ट जैसे ओवर होता है उसके बाद उसके नीचे समय यहां से हमें आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखनी है। अब कोडिंग कैसे लिखनी है देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए कोडिंग बताई है मैंने। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना है, देन फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, देन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा यहाँ पे, फिर एक वेरिएबल लिया है। थोड़ा और डिटेल्स में मैं आपको बताऊं, इसको जूम करके देखिए, तो स्क्रिप्ट टैग लिखा, देन जो फंक्शंस हमें यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे, इसकी थियोरीज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फंक्शंस हमें तैयार करना है, फंक्शन का नाम लिखा है वैलिडेट फॉर्म। अब जितने भी फंक्शन बन रहे सभी फंक्शंस कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक के अंदर बनेंगे, तो उसका कर्ली ब्रेसेस हमने स्टार्ट किया। नाउ जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू जो आएगी उसको एक वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल लाने के लिए हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा var, ये कीवर्ड है var, इससे वेरिएबल डिफाइन होगा। अब वेरिएबल के तौर पे हम ले रहे हैं x। अब x जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे, तो कौन सी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, तो वो जो नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू हमें असाइन करनी है, तो उसका पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखा जाएगा देखिए, तो डॉक्यूमेंट यानी हमारा पेज है वो डॉक्यूमेंट हुआ, डॉट js डेमो। js डेमो क्या है, हमारे फॉर्म का नाम है, यानी हमारा जो पेज है उसके अंदर एक फॉर्म है। डॉट नेम, डॉट सेपरेटेड वैल्यू है यहाँ पे, डॉट नेम यानी js डेमो फॉर्म है उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है नेम। डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू जो कुछ भी होगी वो कहाँ पे जाएगी, x के अंदर। तो इस तरह से हमने x वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमें चेक करवाना है, कंडीशंस देंगे, कंडीशन देने के लिए इफ कंडीशंस यूज करेंगे हम। इफ और ब्रैकेट में लिखेंगे x इज इक्वल टू नल। अब यहाँ पे देखिए दो बार इज इक्वल टू साइन यूज की गई है, दैट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। पहली बार में जो x हमने वैल्यू असाइन करवाई थी उसमें सिंगल था, तो दैट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें वैल्यू असाइन की जाती है। और अगर आपको कंपेयर करवाना है, कंपेरिजन ऑपरेटर के तौर पर यूज करना है, तो इक्वल टू साइन है वो टू टाइम्स यूज करनी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू नल, और ये जो दो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है दैट इज और, या फिर x इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और तुरंत ही इन्वर्टेड कॉमा ओवर कर दिया। यहाँ पे हमने ये चेक करवाया कि x x क्या है, कि वो जो टेक्स्ट बॉक्स है नेम उसकी वैल्यू अगर कोई नल छोड़ रहा है, कि खाली छोड़ रहा है, या फिर उसको स्टार्ट किया बट उसमें कुछ लिखा नहीं, यानी हमने ये कंडीशन दी x इज इक्वल टू नल और x इज इक्वल टू स्टार्ट किया और बंद किया, देन कुछ भी लिखा नहीं मीन्स उसमें, तो हम एक अलर्ट मैसेज देंगे। तो कल इफ इज ऑल्सो अ फंक्शन, तो वो भी कर्ली ब्रेसेस के बीच में उसका आएगा। तो हमें मैसेज देना है, मैसेज देने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एंड दैट फंक्शन इज अलर्ट। अलर्ट उसके जो कर्ली, उसके जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपको जो मैसेज, आप जो भी लिखना चाहते हो वो मैसेज लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैसेज लिखा है प्लीज एंटर द नेम, देन सेपरेशन सिंबल यूज करना हमें सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन लिख दिया। देन डॉक्यूमेंट डॉट js डेमो डॉट नेम डॉट फोकस, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे हमारा फोकसिंग जाना चाहिए, यानी कि कर्सर जो है वो वहां पे फोकस होना चाहिए, तो हमने फोकस के लिए वहां पे उसमें ले गए, ये भी सेपरेट होगा सेमी कॉलन से। देन रिटर्न फॉल्स, यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो रिटर्न फॉल्स हम यूज करेंगे, उसका भी एंड जो है यानी कि उसके भी एंड में
सेमीकोलन लिखेंगे, आप कर्ली ब्रेसेस ओवर करेंगे, ये कर्ली ब्रेसेस किसका ओवर हो रहा है, इफ का, और जो मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस है वो भी ओवर करेंगे, देन वी विल ओवर द स्क्रिप्ट। तो इस तरह से पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल ओवर होने के बाद लिखेंगे, देन हेड विल बी ओवर। अब ये स्क्रिप्ट तो हमने लिख दी, बट ये स्क्रिप्ट जो है वो सबमिट बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, यानी कि वो स्क्रिप्ट कॉल होनी चाहिए, वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे, क्या सेटिंग्स करने हैं वो देखिए। तो फिर से इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म में जाइए, हमने जो फॉर्म डिफाइन किया है वहां पे देखिए एडवांस एडिट करके है, ये दिख रहा है आपको एडवांस एडिट, उस एडवांस एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, उसमें हम एचटीएमएल एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट और जावास्क्रिप्ट को सेट कर सकते हैं। तो उस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे एडवांस प्रॉपर्टी एडिटर आएगा, इसमें तीन पार्ट है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट, इनलाइन स्टाइल एंड जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। तो हमें जावास्क्रिप्ट इवेंट्स से वो चाहिए, तो आप जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे जावास्क्रिप्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे देखिए नीचे एट्रीब्यूट में ऑन सबमिट वाला पार्ट आ जाएगा और सामने वैल्यू जो है वो वैल्यू खाली है। अब वहां पे वैल्यू में हमने जो फंक्शन बनाया था, हमने लिखा था याद हो तो आपको फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, तो वो जो फंक्शन है वैलिडेट फॉर्म उसको कॉल करवाना पड़ेगा ऑन सबमिट बटन के ऊपर, यानी सबमिट बटन पे जब भी क्लिक होगी तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन कॉल करवाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वर्ड रिटर्न, यानी वैल्यू में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, और वैलिडेट फॉर्म फंक्शन जैसा लिखा है सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। इट इज केस सेंसिटिव है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई भी स्क्रिप्ट में आपने जहां जहां पे भी यूज किया है वो सभी में ध्यान रखना पड़ेगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स डिफरेंट ना हो जाए, नहीं तो फिर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा उसके अंदर। देखिए यहाँ पे सोर्स कोड में मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है फॉर्म, उसमें ऑन सबमिट इज इक्वल टू रिटर्न वैलिडेट फॉर्म ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। नाउ वी आर ओपनिंग इन द वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर के अंदर हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो देखिए इस तरह से वो आएगा, नेम है, देन उसका बॉक्स है और सबमिट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नेम का जो बॉक्स है उसमें कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे बिना कुछ लिखे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा वो फंक्शन जो है सबमिट बटन पे हमने रिटर्न करवाया यानी कॉल करवाया था वो एप्लीकेबल हो जाएगा और वो चेक करेगा, जिसमें हमने चेक करवाया था कि इफ एक्स इज इक्वल टू नल, एक्स क्या है, ये जो नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू, अगर वो खाली है तो वो अलर्ट मैसेज देगा जिसमें हमने मैसेज लिखा था प्लीज एंटर द नेम, तो देखिए वो मैसेज आ गया यहाँ पे, यानी कि जैसे ही सबमिट बिना खाली छोड़ के आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो प्लीज एंटर द नेम वाला मैसेज आ जाएगा, डेट ओके कीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे फिर से आपका कर्सर जो है फोकस हमने यूज किया था डॉक्यूमेंट डॉट जेएस डेमो डॉट नेम डॉट फोकस, यानी उसके ऊपर फोकसिंग यानी कर्सर हमारा वहां पे चला जाएगा। देखिए इस तरह से वो मैसेज आएगा यहाँ पे, और फिर बाद में आपको वो लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद जैसे सबमिट करोगे तब आपका फॉर्म सबमिट होगा, यानी कि यहाँ पे क्लाइंट साइड जो है क्लाइंट साइड के ऊपर ही चेकिंग हो जाएगा कि अगर कोई इम्पोर्टेंट फील्ड अगर कोई खाली छोड़ रहा है एम्प्टी छोड़ रहा है तो वहां पे उसको एम्प्टी नहीं छोड़ने देगा, एरर मैसेज आएगा। इस तरह से ये सिंपल हमने आज देखा जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल्स में हम सीखेंगे फील्ड एम्प्टी छोड़ने के अलावा कंपेरिजन फील्ड की करनी है, फील्ड में और भी देखना है वो एक देखेंगे, और सबसे लास्ट में एक और प्रोग्राम जो हमने जो मेन फॉर्म बनाया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और एडमिशन फॉर्म का उसके ऊपर कैसे जावास्क्रिप्ट को वैलिडेट करना है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जावास्क्रिप्ट को हम और डिटेल्स में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे।